हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो फोटोशॉप का बेसिक इंट्रो होता है वो बताऊंगा। फोटोशॉप में क्या क्या टूल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और धीरे धीरे उसके फीचर्स, उसके एडिट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, वो सब उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास फोटोशॉप है, ये फोटोशॉप का सीसी वर्जन 2020 है। तो ये सब बेसिक है, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ से क्रिएट न्यू पे कर देंगे, या अगर आपके पास कोई एक ऑलरेडी फाइल है या फिर इमेज है, अगर उसको आपको एडिट करना है तो आप डायरेक्ट ओपन से कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से कोई भी फाइल है, ये PSD फाइल है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और फोटोशॉप का जो मेन फॉर्मेट होता है वो तीन फॉर्मेट में होता है, और एक PSD जो कि डॉक्यूमेंट के लिए होता है, JPG और PNG जो मैक्सिमम, मतलब यही इसी में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर इसमें हम फोटोशॉप में एंटर होते हैं। ये देखिए, अब हम फोटोशॉप में एंटर हो चुके हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो हमारा मेन विंडो है, ये वर्किंग विंडो है, और ये हमारा लेयर पैनल से जितने भी, मतलब कि हम एडिट करेंगे वो सब लेयर्स लेयर बाय लेयर करेंगे, ताकि हमारा जो वर्क है वो ख़राब ना हो, हमको जो एडिट करना हो हम इजीली एडिट कर सकें। आ गया, इससे पहले मैंने आपको कुछ बताना भूल गया। जैसे कि आप क्रिएट न्यू पे करेंगे तो ये जो विंडो खुलता है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिया है, जैसे इसका जो पिक्सल्स है 1546 और 1080 इसके पिक्सल्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब अगर जैसे कि आपको डिज़ाइन करना, तो आप उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको कितना बाय कितना में चाहिए। जैसे कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, अब आपका क्लाइंट बोलता है मेरे को 5x5 में चाहिए, तो 5x5 इंचज़ में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 5x5 इंचज़ में अगर वो बोलता है कि नहीं मेरे को इतने पिक्सल्स में चाहिए, तो आप उसको यहाँ पे पिक्सल्स अपना जो है उस हिसाब से पिक्सल्स ले सकते हैं। ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया, ये रेजोल्यूशन हो गया, ये पिक्सल्स पर सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हम पिक्सल्स पर इंच कर देंगे। तो मतलब वो 1 इंच में जितने 300 पिक्सल्स आएंगे, मतलब जैसे वो इंच है, 1 इंच में जितने पिक्सल्स है वो पिक्सल्स कितने आएंगे, वो 300 पिक्सल्स आएंगे। और ये जो बाकी RGB कलर अपना रहेगा, RGB कलर ये नॉर्मली डिजिटली पेंटिंग के लिए होता है, और CMYK वाला जो कलर है वो डिजिटल प्रिंटिंग में करते हैं, जैसे कि बैनर ये सब में, ताकि इसका मतलब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम जैसे कि फोटोशॉप का इमेज है उसको लार्ज स्केल पे हमको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए जैसे कि हम फोटोशॉप में इसको डायरेक्ट RGB कलर से करेंगे तो क्या होगा, फटने लगे एक टाइम में, क्या होगा फटने लगेगा। तो जो CMYK है उससे हम डालने से क्या होता है कि वो डिजिटल प्रिंटिंग के लिए होता है, कि हमने जैसे बैनर ये सब हो गया उसको प्रिंट करने के लिए होता है। अब ये जो 8 बिट है, इसको ऐसे समझ लिए कि हर कलर का 2 मोड होता है। अब उस कलर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते रहे 8 बार, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करेंगे, तो आपको जो लास्ट कलर मिलेगा वो मिलेगा 256। तो मतलब जब हम 8 बिट में काम करते हैं तो हमको 256 कलर मोड मिलते हैं। वैसे 16 बिट करते हैं तो हमको कुछ ऐसे कलर मिलेंगे, और एंड में 32 बिट करते हैं तो हमको जो बात करते हैं ना, जैसे 16 मिलियन कलर्स हमको तो उसके फॉर्म में चलेंगे। तो अगर हम 16 बिट या 32 बिट करेंगे तो उसके लिए आपका मतलब जो सिस्टम हो थोड़ा पावरफुल होना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो वही सिस्टम ना थोड़ा हैंग होने लग जाएगा। तो इसलिए हम जो बेसिक है वही 8 बिट पे ही करेंगे, और बाकी का अपना जो ये बैकग्राउंड है वो वाइट में ही रहने देंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जो चेंजेस करने के थे वो बस इतने ही चेंज करने के थे, तो अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा आ गया। जब आप फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ये जो साइड में मेरे ये जो कलर्स है, ये लेयर्स है, ये चैनल्स है, आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप करेंगे। तो अगर बाय चांस अगर आप ये सब भूल जाते हैं, अगर ये डिलीट हो जाता है, ये जो लेयर पैनल है वो डिलीट आपसे हो जाता है, या आपसे कहीं गुम हो जाता है, जैसे यहाँ पे है मैंने इसको कट कर दिया, अब लेयर है नहीं, जैसे ये चैनल है, ये चैनल को भी मैंने हटा दिया, ये पाथ है पाथ को भी हटा दिया, अब आप सोचेंगे ये सब कहाँ गए और इसको वापस कैसे लाएं। सिंपल से विंडो में जाना है, और यहाँ पे वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस में जाके नीचे जाना है, देखिए रीसेट है, रीसेट एसेंशियल करके है, वहाँ पे आप बस क्लिक कर देंगे तो जो पहले जैसा, जो जैसे हम फोटोशॉप इंस्टॉल किए थे सेम वैसे ही आ जाएगा। अब अपने हिसाब से जैसे था वो आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मेरे को ये लर्न का कुछ मतलब नहीं है, तो मैं लर्न को निकाल के इसको कट कर दूंगा, और अपने एडजस्टमेंट के साथ इसको फिट करके, मतलब आपको जैसा पसंद है जैसे करना है आपको उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से जैसे ये ऊपर के कलर हैं, ये कलर आपसे निकल के ख़त्म हो जाते हैं, या फिर ये स्वॉचेस है ये भी आपसे ख़त्म हो जाता है, और आपको इसे वापस लाना है, तो आप सेम यहाँ से जाएंगे वर्क स्पेस और यहाँ से रीसेट कर देंगे।
तो ये जो पहले जैसा था सेम पहले जैसे आ जाएगा, और फिर अपना जो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लेंगे। तो हमारा जो पहला टूल है वो है मूव टूल। अब नाम से पता चल रहा है मूव टूल मतलब किसी भी चीज़ को मूव करना। अब जैसे कि मैंने कोई पिक लिया, ये जैसे मैंने पिक लिया, अब इस पिक को मैं इसमें ट्रांसफर करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे मूव टूल लूँगा, तो मूव टूल से क्या होगा, ये मूव करेगा। अब मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ पे इसको मैं मूव कर सकता हूँ। फिर एक मैं दूसरा लेयर सिलेक्ट करके इसको ऑफ कर देता हूँ। जैसे मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया। अब मैंने मूव टूल सिलेक्ट किया, अब इसको मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, उसको कहीं भी को मैं कहीं भी हम मूव कर सकता हूँ। तो मूव टूल का ये रहता है कि कहीं भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो बाकी सब टूल बच गए हैं उनके बारे में बात करेंगे।